चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को ऐसे ही बॉक्स ऑफिस का दबंग नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनकी फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है हमेशा एक नया रिकॉर्ड बनाती है। इसी कड़ी में सलमान खान और कटरीना कैफ की मोस्ट अवॉटेड फिल्म टाइगर जिंदा है ना रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाना चालू कर दिया था। अगर हम फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन करीब करीब 34 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं दूसरे दिन 36 करोड़ का कलेक्शन किया और संडे को यह कलेक्शन बढ़कर 45 करोड़ का हो चुका था। और अगर हम सोमवार की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 36 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर हम ऑल ओवर देखा जाए तो फिल्म ने अब तक इंडिया में ही करीब 200 करोड़ का ऊपर का कलेक्शन पार कर चुका है। अगर हम पांचवें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब करीब 500 करोड़ का कारोबार पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म में कटरीना कैफ और सलमान खान पर फिल्माया गया एक्शन सीन दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ सलमान खान और कटरीना कैफ पर फिल्माया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत दर्शकों की जुबान पर चढ़कर बोल रहा है। दर्शकों को ये फिल्म बेहद ज्यादा इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ 5 साल के बाद बड़े पर्दे पर एक्शन के साथ साथ रोमांस करते भी दिख रहे हैं, जो दर्शकों को खासा ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर अली आवाज जफर हैं, जिन्होंने कई सारे बॉलीवुड सुपरहिट मूवी का निर्देशन किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त कर लेगी।